हेलो, आज मैं बना रही हूँ क्रिस्पी कॉर्न। क्रिस्पी कॉर्न को आप एक स्नैक या स्टार्टर की तरह बना सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी होता है और इसमें अपनी चॉइस के मसाले आप डाल सकते हैं, जो फ्लेवर आप चाहें उसको दे सकते हैं। इसके लिए मैंने सबसे पहले स्वीट कॉर्न ले लिया है, 2 कप से थोड़ा सा ज़्यादा है ये। इसको अच्छे से वॉश करके रख लिया। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है, जल्दी से बन भी जाती है और बहुत ही यम्मी होती है। तो जिनको कॉर्न पसंद है उनको तो स्पेशली बहुत अच्छी लगेगी। तो ये जो कॉर्न लिया है इसमें अभी डालेंगे कॉर्नफ्लावर थोड़ा सा और थोड़ा सा राइस फ्लावर, और इसको अच्छे से कोट कर देंगे उसके साथ। तो ये भी लिया मैंने 1 चम्मच, ये 2 चम्मच, ये राइस फ्लावर है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर। आपको कम लगे तो आप बाद में और भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा सॉल्ट डालूंगी। ये जो स्वीट कॉर्न है इसको मैंने बॉईल किया हुआ है, तो जब बॉईल किया था तब भी थोड़ा सा सॉल्ट मैंने डाला था। थोड़ा सा ब्लैक पेपर, ज़्यादा नहीं डालूंगी। आई डोंट वॉन्ट टू मेक इट वेरी स्पाइसी, क्योंकि मैं बाद में चिली फ्लेक्स भी ऐड करूंगी इसमें। अब इनको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। ये राइस फ्लावर कॉर्नफ्लावर मिक्स जो हमने बनाया है ये पूरा अच्छे से कोट हो जाना चाहिए पूरे कॉर्न के ऊपर। तो ये मैंने पूरे कॉर्न को कोट कर दिया अच्छे से। इसमें मुझे कॉर्नफ्लावर और राइस फ्लावर कम लग रहा था तो मैंने 1 1 चम्मच और लिया है। तो 2 कप से थोड़ा ज़्यादा कॉर्न था मेरे पास, उसमें मैंने 3 3 चम्मच राइस फ्लावर और कॉर्नफ्लावर डाला। सॉल्ट और पेपर आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। अभी हमने इसको फ्राई करना है। तो ये तेल अच्छे से गर्म हो गया है, इसको मैंने मीडियम पे सेट कर दिया। अब इसमें ज़रा ये जल्दी जल्दी से कॉर्न डाल के और इसको हम एक जाली से कवर कर देंगे, नहीं तो कॉर्न कई बार फट के एकदम से बाहर भी आ जाता है। अगर तेल बहुत ज़्यादा गर्म लग रहा है आपको तो आप इसको थोड़ा और सिम पे रख सकते हैं, पर इसको ध्यान से ढक के ही पकाइए और किसी जाली से ढकिएगा। अगर आप इसके ऊपर नॉर्मल लिड लगा देंगे तो फिर मॉइस्चर आ जाएगा अंदर और सारा पानी गिर के तेल में जाएगा। जब थोड़ा कॉर्न सेटल हो जाए, पॉपिंग साउंड आनी कम हो जाए, बंद हो जाए, तो उसके बाद हम इसको थोड़ा सा हिलाएंगे। फ्लेम मैंने मीडियम पे कर दिए। फिर से इसको एक बार हिला के देखते हैं। थोड़ा अपने सामने ही रखिए जाली। आप किसी बड़े स्पून से ज़्यादा क्वांटिटी भी एक बार में डाल सकते हैं। मेरे हाथ में छोटा स्पून था और तेल बहुत गर्म था इसलिए फिर मैंने थोड़ा ही रहने दिया। अभी इसको फ्राई होने देते हैं, फिर से ढक के रख देते हैं। तो ये लॉट फ्राई हो गया, इसको निकाल लेते हैं। थोड़ा केयरफुली ही करिए। मैंने 1 राउंड और लगा दिया कढ़ाई में। जब तक ये पक रहे हैं, जब तक फ्राई हो रहे हैं, मैं आपको रिमाइंड करना चाहती हूँ कि इसमें से बहुत ज़ोर से पॉप हो के कई बार पॉपकॉर्न एकदम से तेल के साथ उड़ के बाहर आता है। सो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल वाइल फ्राइंग देम, और बच्चों को तो बिल्कुल आसपास मत आने दीजिए। इसको ऐसे जाली से ढक के आप फ्राई करें और जब भी उसको हिलाएं तब भी जाली अपने सामने रखें। तो ये अच्छे से फ्राई हो गए, इनको निकाल लेते हैं। आप इनको टिश्यू पे मत निकालिएगा, टिश्यू पे जनरली हम लोग फ्राइड आइटम्स निकालते हैं, लेकिन अगर आप इसको टिश्यू पे लोगे तो ये सॉगी हो सकते हैं। इसको ऐसे ही नॉर्मली किसी प्लेट या बोल में निकाल लीजिए। ये क्रिस्पी कॉर्न तैयार हो गया, फ्राई होके रेडी हो गया। अभी इसमें थोड़ा सा ओरिगैनो मिक्स डालेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं डालूंगी क्योंकि इसमें सॉल्ट भी डाला है हमने और इसमें भी सॉल्ट होता है, तो बहुत ज़्यादा नमक हो जाएगा। थोड़े से रेड चिली फ्लेक्स जो मेरे पास हैं, ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी हैं इसलिए मैं ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ। थोड़ा सा डालूंगी नींबू का रस एंड ऑफ कोर्स मेरा प्यारा हरा धनिया चॉप्ड। इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। नींबू का रस आप तभी डालिए जब खाने के लिए एकदम रेडी हो, नहीं तो ये सौगी ना हो जाए। तो ये हो गया हमारा क्रिस्पी कॉर्न रेडी। इसको आप ऐसे भी खा सकते हैं और अगर आप चाहें तो प्याज और कैप्सिकम वगैरह काट के
इसमें साथ में मिक्स कर सकते हैं। प्याज और कैप्सिकम को थोड़ा सा सौते करके भी इसको मिक्स कर सकते हैं साथ में। पर अगर प्याज और कैप्सिकम को आप सौते करके मिक्स करना चाहते हैं साथ में, तो एकदम सर्व करने के जस्ट पहले करिए, नहीं तो डेफिनेटली क्रिस्पी कॉर्न क्रिस्पी नहीं रहेगा। ये हो गया हमारा क्रिस्पी कॉर्न रेडी टू सर्व। जल्दी से ये रेसिपी आप बनाइए और मेरे को बताइए कि आपको कैसी लगी।